welcome to another exciting episode of Farming Engineer. And today we'll be doing a video on maida and how it's made. तो वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैदा जिसे रिफाइंड फ्लावर भी बोला जाता है, ये मेरे को लगता है आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मैदे का कोई प्रोडक्ट नहीं खाया हो, चाहे वो पिज्ज़ा का बेस हो या पेस्ट्री हो या केक हो या फिर बर्गर का बन हो, कुछ भी हो। आप अगर होटल में जाते हैं तो वहाँ पे नान खाते हैं, फिर इसके बाद पराठे होते हैं, लच्छा पराठा होता है, तो ये सब चीज़ मैदे से ही बनती है। बट मेन क्वेश्चन अभी भी यही है कि मैदा कैसे बनता है। तो मैदा बनता है गेहूं से, हाँ वही गेहूं जिससे आटा बनता है और आटे की हम रोटी खाते हैं। तो ऐसा क्या फ़र्क हो जाता है कि उसी गेहूँ से आटा भी निकल रहा है और उसी गेहूँ से मैदा भी निकल रहा है। बट एक और चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि शायद हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाएंगे मुरमुरे के ऊपर। मुरमुरे झालमुरी या फिर जैसे उसको पफ्ड राइस भी बोलते हैं, तो आपके लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताना। और अगर आपको देखना है कि मुरमुरे कैसे तैयार होते हैं, जिसे महाराष्ट्र में हमारा भड़ंग फेमस है, तो ये चीज़ कैसे बनती है उसके लिए आपको नीचे कमेंट में लिखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सीधा मैदे के ऊपर कि मैदा कैसे बनता है। तो मैदा दिखाने के लिए तो मैं आपको सीधा फैक्ट्री दिखा दूंगा, इस तरह की जैसे ये मशीन लगे हुए हैं। और इसमें होता क्या है कि वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि एक साइड से गेहूँ डाला है और दूसरे साइड से मैदा बाहर आ रहा है, उसका पैकिंग करते हैं और सीधा बाहर देते हैं। बट ये हमारा सेगमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा सेगमेंट ही स्टार्ट होता है हाउ से। और हाउ में ये बताना ज़रूरी है कि आपको पूरा प्रोसेस ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं, पहले व्हीट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और फिर मैं आपको वहाँ पर डिफरेंस बता दूंगा कि होल व्हीट का जो फ्लावर है वो और जो मैदे का जो फ्लावर है वाइट कलर में जो आपको मिलता है वो, उसमें क्या डिफरेंस है और वो कैसे कैसे बनाया जाता है। तो ये है गेहूं, वीट जिसे हम बोलते हैं, तो इससे बनती है हमारी चपाती। इसके अंदर है ना, एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें अभी यहाँ पे ब्राउन कलर का दिख रहा है, बट यही क्वेश्चन है कि ये जो वाइट कलर का मैदा है वो कैसे बनता है। तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे जो बाहर का जो पार्ट है उसे ब्रैन बोला जाता है और जो नीचे आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है वो उसको जर्म बोला जाता है, क्योंकि शायद वहीं से जर्मिनेट होता है अगले क्रॉप के लिए सीड का। तो और जो बीच का जो पार्ट है वो है एंडोस्पर्म, वही है हमारा जहाँ जिससे हम मैदा बनता है। और उस मैदे को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ब्रैन और जर्म को अलग किया जाता है और फिर वहाँ जो एंडोस्पर्म बचता है उसे बारीक करके वहाँ से हमें मैदा तैयार होता है। बट सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जो वीट है, वो वीट जो हमारी चपाती बनती है, जो घर पे आटा मिलता है, वो किस तरह से बनता है। तो ये है ट्रेडिशनल चक्की, ये यहाँ पीछे वाली देख लीजिए, ये ट्रेडिशनल चक्की है। इसे इस मोटर के सहारे से इसे घुमाया जाता है बेल्ट के द्वारा, और ये घूमने के बाद इसके अंदर दो बड़े बड़े रोलर्स रहते हैं, ये निकाल के रखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये पत्थर वाले रोलर्स हैं, ये रोलर एक दूसरे को इस तरह से रोल होता है अंदर जाने के बाद, और रोल होने के बाद इसके बीच में जो ये बड़ा हॉपर है, हॉपर में गेहूं डाला जाता है और गेहूं यहाँ से पास होता है यहाँ पे इसके अंदर। अंदर जाने के बाद ये दो रोलर जो है वो एक दूसरे से ऐसे क्रश करते हैं और फिर नीचे जो है वो हमारा जो आटा है वो आटा बाहर निकल जाता है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है होल व्हीट ग्रेन का जो भी आटा बनता है वो बनाने के लिए। बट अगर मैदा बनाना है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें बहुत ही केयरफुली इसके ऊपर का ब्रान और जो जर्म है वो निकालना है और बीच का एंडोस्पर्म को वैसा का वैसा ही प्रिजर्व करना है, ताकि हम उसे जो एंडोस्पर्म निकले और उसे बारीक करके उससे मैदा बना सकें। तो जब भी कभी आप मैदे का प्लांट देखोगे तो वहाँ पर बहुत से बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं इस तरह से। मशीनों का यूज़ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस इसके अंदर करनी होती है। सबसे पहले तो क्लीनिंग और सॉर्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हार्वेस्टर से हम गेहूं को हार्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सब आ जाते हैं, या फिर उसका जो कवर रहता है वीट का जो मेज़ रहता है, वो मेज़ के अंदर के बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसीलिए ये सारी मशीन डाली जाती है जिसके अंदर सॉर्टिंग किया जाता है, फिर इसके बाद क्लीनिंग किया जाता है, जहाँ पे बहुत अलग अलग शेकर मशीन्स होती हैं, जालियाँ होती हैं, जालियों से वो पास होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं, बड़े बड़े अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद हवा के द्वारा जितने भी लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं।
तो ये सारे उसके प्रोसेस होते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में डाल के, क्योंकि वीट के ऊपर है ना, वीट के कार्नल्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर जो रहते हैं तो वो निकालना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सब करने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्योर क्लीन ग्रेन्स जो रह जाते हैं, उन ग्रेन्स को अलग अलग मशीन्स में डाला जाता है। बट उससे पहले एक प्रोसेस उसके अंदर करना ज़रूरी होती है, वो है मॉइस्चर को ऐड करना। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें 15-20% मॉइस्चर ऐड किया जाता है, पानी मिलाया जाता है और उसे रखा जाता है कुछ घंटों के लिए भिगो के, जो जिसमें 13 से 15 घंटे तक उसे भिगोया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम गेहूं को भिगोते हैं तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा साइज़ एनहांस हो जाता है, जिसके बिकॉज जो एंडोस्पर्म है अपना वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। तो जब भिगोने की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद इसे हल्का सा गर्म टेम्परेचर पे बेक किया जाता है, बेक एज इन बेक नहीं होता बट 50-60 डिग्री पे उसे रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो ब्रान होता है वो ऊपर का जो ब्रान वो ब्रिटल हो जाता है और अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। ये रिमूवल प्रोसेस के लिए बहुत ईजी है क्योंकि दोनों का टेक्स्चर में डिफरेंस आना चाहिए। ये हमारा प्रोसेस था। ये प्रोसेस होने के बाद इसे बड़े बड़े रोलर्स हैं, रोलर्स के अंदर क्रश किया जाता है, जिसे क्रशर भी बोले जाते हैं। क्रशिंग एक क्रिटिकल पार्ट है। क्रशिंग के अंदर मेनली दो अलग अलग रोलर्स रहते हैं जो कॉरोगेटेड रहते हैं। कॉरोगेटेड इसलिए क्योंकि हमें उसे बारीक नहीं करना, हमें उसे सिर्फ फोड़ना है, वो जो हमारा जो कार्नल है। तो उसमें भी एक रोलर का स्पीड अलग होता है और दूसरे का अलग होता है। तो जब भी रोलर्स मूव करते हैं तो उसके बाद उस ग्रेन को फोड़ा जाता है और जो आउटर लेयर है वो अखरोट के लेयर की तरह अलग हो जाती है और अंदर का जो मेन पार्ट है हमारा एंडोस्पर्म वो रह जाता है वैसे ही और वो नीचे गिर जाते हैं। तो अलग अलग 10 से 12 सेट ऑफ रोलर्स रहते हैं तो उसके थ्रू पास होता है और फिर बारीक जो है वो अलग अलग जालियाँ रहती हैं, जालियों से पास होता है। जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो ऑब्वियसली हार्ड पार्टिकल्स जो हैं हमारे ब्रान के वो एक साइड में सेपरेट किए जाते हैं और नीचे जो है वो एंडोस्पर्म गिरता रहता है। अब इसके बाद उससे उसकी होती है मिलिंग, क्योंकि क्रशिंग से हमने ब्रान अलग कर दिया बट हमें अभी भी एंडोस्पर्म को बारीक करना है क्योंकि हमें जो हमारा मैदा चाहिए वो एकदम वाइट कलर का और बारीक होना चाहिए। तो उसके लिए प्लेन रोलर्स होते हैं, 10 से 12 सेट ऑफ रोलर्स होते हैं जिसके अंदर से ये पास किया जाता है और फाइनली जो वाइट प्योर पाउडर हमें मिल जाती है और वो उसे हम मैदा बोलते हैं। तो मैदा को आगे प्रोसेस किया जाता है उसे ब्लीच करने के लिए, क्योंकि उसे वाइट जितना बनाएगा उतना उसको रेट ज़्यादा मिलता है। तो ब्लीचिंग के लिए उसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड और एलोक्सेन जैसे केमिकल्स डाले जाते हैं, तो वो एक टॉपिक हमने अलग रखा है। तो हम सोचते हैं कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि मैदा को ब्लीच कैसे किया जाता है, मैदा कैसे बनाया जाता है। तो अब आप लोग को पता चल ही गया कि मैदा जो है वो गेहूं से बनता है, बस गेहूं को डीहस करके या ऊपर के उसका कवर निकाल के अंदर के पार्ट को किया जाता है। मैदा खाने में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा होता है और हमारा जो ब्रान होता है उसके अंदर फाइबर्स कंसिस्ट होते हैं। तो फाइबर्स निकल जाने की वजह से और जो प्योर ग्लूटेन है वो हमारे शरीर के अंदर या हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर चिपक जाता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं बट शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से बोलते हैं कि मैदा का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट मैदा के बिना बहुत सारी चीज़ें बनती भी नहीं है, हमारे ब्रेड हो गए, केक हो गए या फिर जो नान है वो हमें जो ग्लूई स्टिकी जो चाहिए हमें वो दूसरे किसी चीज़ से अचीव नहीं होता। तो जो है जैसा है अच्छा है। तो ये था उसका प्रोसेस, होप आपको पसंद आए। तो अभी अपने दोस्तों के साथ जाके फ्लॉन्ट करो, उन्हें बताओ कि हमें पता है मैदा कैसे बनता है और फार्मिंग इंजीनियर भाई ने बताया है। तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो पॉसिबली वो मुरमुरे का होगा और अगर आपको, मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। हर आदमी कमेंट करके जाएगा कि मुरमुरे चाहिए। ओके, बाय बाय।